Morning students, so today we will do worksheet 2 of unit 8. So what is worksheet 2? Simplify the numerical expressions. So what is numerical expression? 7 upon 8 minus 3 upon 8 plus 5 upon 8. Beta, मैंने आपको पहले clear किया था कि जब हम ऐसा sum आए जिसमें plus भी है, minus भी है, multiply भी है और divide भी है, तो ऐसे sums को हम एक rule से solve करते हैं, और वो rule कौन सा है? DMAS. D means division, M means multiplication, A means addition and S means सब्ट्रैक्शन, राइट? तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे. आपको यहाँ पे कहीं डिवाइड का साइन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो लीव इट, नहीं है तो रहने दो, क्रॉस. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, देन इसको भी क्रॉस कर दीजिए. अब आया एडिशन. अब आपने ढूंढना है कि प्लस साइन किस किस के साथ है. सबसे पहले 7/8, इसके आगे वाले साइन को हम चेक करते हैं. इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता मेरा बेटा, उसके साथ हम प्लस लगा लेते हैं. 3/8 के साथ माइनस है, 5/8 के साथ प्लस है. अब हमने प्लस वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, राइट? दोनों को प्लस कर लीजिए. 7/8 प्लस 5/8 माइनस 3/8, करेक्ट? अब इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस कर लेंगे. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. आपको पता है कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं? प्लस. तो 7 + 5 कितना हो गया? 12, करेक्ट? माइनस 3/8 एज इट इज. अब हम इनको क्या कर लेंगे? लास्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे. तो 8, तो डिनोमिनेटर तो बेटा कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम न्यूमिरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 12 - 3, तो 12 - 3 कितना हो गया हमारे पास? 9, तो 9/8, क्लियर? अब हमारे पास आया बेटा कि 9/8 कैसी फ्रैक्शन है. ये है इम्प्रॉपर. इसको लर्न करने की टेक्निक क्या है कि अगर आपका न्यूमिरेटर बड़ा है तो हम स्पेलिंग भी बड़ी चूज़ करते हैं. हमारे पास टू होती है ना, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर. तो अगर न्यूमिरेटर बड़ा है तो बड़ी स्पेलिंग किसकी है? इम्प्रॉपर की. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कभी भी अपना आंसर नहीं रखते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं मिक्स नंबर में, करेक्ट? तो 9 आ गया सेंटर में और 8 आ गया साइड में. तो 8 1 8, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 8 9 1 8 1, करेक्ट? अब ऊपर से चले नीचे और नीचे से फिर ऊपर, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि हमने स्टार्टिंग 1 से की, तो 1 को सेंटर में लिखेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम लाइन लगा देते हैं, करेक्ट? अब 1 के बाद फिर कौन आया नीचे? 1, और फिर लास्ट में कौन आया? 8. पहले 1, फिर उसके बाद ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म. अब चेक कर लो, डिनोमिनेटर 8 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है, इसका मतलब मैंने मिक्स नंबर सही बनाया है, क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. हमारे पास नेक्स्ट सम है 1/2 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 3/5. अगेन मेरा बेटा डिवाइड और प्लस दोनों साइन आए हुए हैं, तो किसका हेल्प लेते हैं हम? डिमास, करेक्ट? तो सबसे आगे हमारे पास डी से डिवाइड. तो अगर डिवाइड है, आप डिवाइड ढूंढिए कहाँ पर है डिवाइड. यस, मिल गया. किसके बीच में? 3/10 और 3/5 के बीच में हमें डिवाइड मिल गया है, करेक्ट? तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे. 1/2 एज इट इज प्लस एज इट इज, राइट? अब देखिए 3/10 एज इट इज. अब हम बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड तो यहाँ पे फॉलो नहीं होता, तो यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो होता है? रेसिप्रोकल मेथड, क्लियर है? तो 3/10 एज इट इज, डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल, मतलब 5/3 पलट जाएगी. जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पलट गई, तो मतलब सेम यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आगे टर्म पलट गई, तो डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में और नेक्स्ट टर्म क्या हो गई? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब उसको पलट देना टर्म को, 5 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, करेक्ट? चलो, डिवाइड साइन गायब हो गया, नहीं मिला. अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या मिला मुझे? मल्टीप्लाई, है ना? तो ढूंढो मल्टीप्लाई कहाँ मिल रहा है. मिल गया, किसके बीच में? 3/10 और 5/3 के बीच में मल्टीप्लाई. तो उसको बॉक्स में डाल दीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है, बाकी को तो ऐसे उतार देना जैसे है. चलिए 1/2 एज इट इज प्लस भी एज इट इज. अब आइटम क्या थी? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 5/3. अब देखो मेरा बेटा, इसको जब मैं सॉल्व करने लगी, 3 से 3 कट गया, क्या गया? 1 1, करेक्ट? और दूसरा आपको पता है, अब सबसे छोटा कौन रहा? 5 5 के टेबल में 10 आता है. यस, 5 1 5 5 2 10, मैंने साइड में लिख दिया बाय 3 और बाय 5. इसका मतलब पहले मैंने 3 से डिवाइड किया और फिर मैंने 5 से किया, तो 5 1 5 5 2 10, करेक्ट? अब लिखते हैं नीचे इक्वल टू 1/2 एज इट इज प्लस एज इट इज 1 × 1 / 2 × 1,
यहाँ से टू मिला, यहाँ से वन मिला, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन अपॉन टू प्लस वन वन ज़ा वन, वन टू वन ज़ा टू, करेक्ट। अब बचा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो गया, आगे कौन आया, एडिशन, दोनों को प्लस कर लेना, दोनों के साथ प्लस साइन है, करेक्ट। डिनोमिनेटर सेम है तो टू ही आएगा डिनोमिनेटर, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, टू अपॉन टू। अब देखिए ऊपर भी नहीं नीचे टू, तो ये टू से कट जाएगा, बाय टू से इसको मैंने कट कर दिया, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, तो कितना आ गया बेटा वन अपॉन वन, तो वन अपॉन वन का मतलब होता है वन, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, अब हम करेंगे सी पार्ट। तो बेटा नेक्स्ट सम है हमारे पास टू इज टू वन अपॉन टू प्लस थ्री इज टू वन अपॉन एट डिवाइड वन इज टू वन अपॉन फोर प्लस वन इज टू वन अपॉन फोर। अब बेटा ये सारी की सारी टर्म्स हमारे पास मिक्स नंबर में है, तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करते हैं बेटा, जो डिनोमिनेटर है वो साइड वाले नंबर से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और टॉप वाला नंबर क्या हो जाता है प्लस, तो कर लेंगे टू इंटू टू प्लस वन अपॉन, डिनोमिनेटर में टू है तो टू ही रहेगा, तो टू टू ज़ा फोर प्लस वन अपॉन टू, तो ये बन गया फाइव अपॉन टू। नेक्स्ट है एट थ्री ज़ा, वही बात है एट मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस वन अपॉन, डिनोमिनेटर में एट है तो एट ही रहेगा, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर प्लस वन अपॉन एट विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन एट। नेक्स्ट है हमारे पास, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फोर वन ज़ा फोर प्लस वन फाइव अपॉन फोर, ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर पूरा मेथड करना है तब भी ठीक है, जिन बच्चों को मिक्स नंबर कन्वर्ट नहीं करना आता है वो सीख लीजिए, फोर प्लस वन अपॉन फोर दैट इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर। नेक्स्ट हमको हम डायरेक्ट कर लेंगे, फोर वन ज़ा फोर प्लस वन फाइव अपॉन फोर, क्लियर। अब सारी मिक्स नंबर को मैंने सॉल्व कर लिया, अब क्या करेंगे, टू इज टू वन अपॉन टू की जगह क्या आ गया फाइव अपॉन टू, प्लस थ्री इज टू वन अपॉन एट की जगह क्या आ गया ट्वेंटी फाइव अपॉन एट, फिर डिवाइड का साइन, वन इज टू वन अपॉन फोर की जगह क्या आ गया फाइव अपॉन फोर, प्लस इसकी जगह भी क्या आ गया फाइव अपॉन फोर। लीजिए ये सारे के सारे सम्स हमारे पास अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए, करेक्ट। अब सिंपल कर दिया, अब फॉलो करेंगे हम क्या डिमास। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास डी से डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे, अब ढूंढिए डिवाइड कहाँ है, ये है किस किस के बीच में, ट्वेंटी फाइव अपॉन एट और फाइव अपॉन फोर के बीच में डिवाइड साइन है, करेक्ट। तो फाइव अपॉन टू एज इट इज प्लस एज इट इज, देखो जिनको मैंने बॉक्स में नहीं डाला वो आपने एज इट इज ही लिख देनी है, और जिसको बॉक्स में डालो उसको सॉल्व करना है। तो ट्वेंटी फाइव अपॉन एट एज इट इज, डिवाइड किस में चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, जैसे मल्टीप्लाई में चेंज हो गया नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, मतलब पलट जाएगी, तो फोर अपॉन फाइव प्लस एज इट इज फाइव अपॉन फोर एज इट इज, चेंज हो गया डिवाइड साइन, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं रिमूवल ऑफ डिवीजन साइन, वो मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। डिवाइड तो हट गया, अब कौन मिला आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साइन मिल रहा है, यस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को बॉक्स में डाल दो, बॉक्स में डालने का मतलब इसको सॉल्व करना है, बाकी को एज इट इज उतार देना है। फाइव अपॉन टू प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन एट मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन फाइव प्लस फाइव अपॉन फोर, करिए फोर के टेबल में एट आता है, यस सबसे छोटा कौन है इसमें फोर, तो क्या फोर के टेबल में एट आता है, यस फोर वन ज़ा फोर, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, चला गया। अब टू सबसे छोटा है बट टू के टेबल में ट्वेंटी फाइव नहीं आता, और टू वन को हम लेते नहीं क्योंकि वन से चाहे डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब कौन है फाइव, क्या फाइव के टेबल में ट्वेंटी फाइव आता है, यस फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, मिल गया किस किस से कट किया बाय फोर देन फाइव, फोर और फाइव से मैंने इसको कट किया है, ठीक है। चलिए क्या आ गया फाइव अपॉन टू प्लस फाइव इंटू वन अपॉन टू इंटू वन, क्लियर, प्लस फाइव अपॉन फोर, लिख लेंगे नीचे फाइव अपॉन टू प्लस फाइव वन ज़ा फाइव, टू वन ज़ा टू प्लस फाइव अपॉन फोर, मल्टीप्लाई हट गया। अब कौन बचा एडिशन, अगला आता है हमारे पास क्या एडिशन। अब एडिशन में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सारे के सारे टर्म्स किस में है प्लस है, माइनस तो है ही नहीं, तो हम इन सबको प्लस कर लेंगे, बट आपको पता है कि फ्रैक्शन में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं
प्लस करना है डिनोमिनेटर। क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम। हम एलसीएम की हेल्प लेंगे। तो किस किस का एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर क्या है? टू टू फोर। तो हमने एलसीएम लेना है, टू टू फोर का हमने एलसीएम लेना है। तो लिख लिया मैंने एलसीएम ऑफ टू कॉमा टू कॉमा फोर, इनका एलसीएम लेना है। चलिए अब एलसीएम जब लेना है तो टू टू फोर, सबसे आगे टू है तो टू से डिवाइड करेंगे। टू से का टेबल तब चाहिए जब टू ना मिल जाए, तो टू वन जा टू, वन पे मिला तो वन आ गया। डैश टू का टेबल तब तक जब तक टू ना मिल जाए, टू वन ज़ा टू, वन आ गया। ठीक है, टू का टेबल तब तक जब तक फोर ना मिला, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, कितने पे मिला? टू पे। करेक्ट, ये भी वन बन गया, ये भी वन बन गया, बट यहाँ पे टू है तो कितने से जाएगा? टू से। अब टू के टेबल में वन नहीं आता एज इट इज़, टू के टेबल में वन नहीं आता एज इट इज़। टू का टेबल तब तक जब तक टू ना मिल जाए, टू वन ज़ा टू, वन पे। करेक्ट, तो क्या मिल गया? टू इंटू टू कितना आ गया? फोर। टू टू ज़ा फोर, एलसीएम आ गया फोर। इसका मतलब सभी को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? फोर बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहली टर्म क्या है हमारे पास? फाइव अपॉन टू। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास मेरा बेटा फाइव अपॉन टू, सेकेंड टर्म भी क्या थी? फाइव अपॉन टू, और थर्ड टर्म क्या है? फाइव अपॉन फोर। क्लियर है? सभी के डिनोमिनेटर को मुझे फोर बनाना है। अब मेरा बेटा मैं टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मैं टू का टेबल तब तक बोलूँगी जब तक मुझे फोर ना मिल जाए। बोलिए टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू पे मिल गया। तो ऑफकोर्स ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव टू ज़ा टेन अपॉन फोर, किया हमने चैप्टर फोर में यही सब सीखा था, है ना। फिर अगेन नेक्स्ट फाइव अपॉन टू, किसका टेबल बोलेंगे? टू या फाइव? टू का, क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है तो टेबल भी डिनोमिनेटर का बोलेंगे। तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, कितने पे मिला? टू पे। तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन अपॉन फोर आ गया। नेक्स्ट है फाइव अपॉन फोर, बेटा फोर किसका टेबल बोलेंगे? फाइव या फोर? फोर का, क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है तो टेबल भी डिनोमिनेटर का बोलेंगे। तो फोर वन ज़ा फोर, वन पे मिला। तो ऑफकोर्स ऊपर भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव पॉइंट फोर। लीजिए इसका भी फोर बन गया, ये भी फोर हो गया, ये भी फोर हो गया, सारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? फोर। तो सभी को क्या कर लेंगे? प्लस टेन अपॉन फोर प्लस टेन अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन फोर। क्लियर? अब डिनोमिनेटर को तो आपको पता है हम ऐड नहीं करते हैं, किसको ऐड करेंगे? न्यूमिनेटर्स, टेन टेन प्लस फाइव। तो कितना हो गया? 25 अपॉन 4। बट वही प्रॉब्लम आ गई, 25 अपॉन 4 कैसी फ्रैक्शन है? न्यूमिरेटर बड़ा है तो स्पेलिंग भी बड़े लेंगे, तो किसके स्पेलिंग बड़े होते हैं? इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर देंगे मिक्स नंबर में। तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सिक्स 24, तो 1 0। तो यानी कि ऊपर से चले नीचे और नीचे से फिर ऊपर, पूरा सर्कल कंप्लीट। तो कितना आ गया? स्टार्टिंग सिक्स से की सिक्स आ गया, इसके बिल्कुल सेंटर में लाइन लगा दीजिए। सिक्स के बाद क्या मिला? वन वन, फिर उसके बाद क्या मिला? फोर, तो फोर। फिर चेक भी कर लेना है, डिनोमिनेटर फोर है, यस डिनोमिनेटर फोर है, तो मैंने मिक्स नंबर सही बनाया। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर।